हेलो फ्रेंड्स, आज जो आईपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था मेंस एग्ज़ाम, उसमें जो जो क्वेश्चन देखने को मिला था वो आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। मतलब जो ये क्वेश्चन आए थे वो शेयर करती हूँ, आप उससे मिला लेना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया था एनपीसीआई, जो एनबीएसएल होता है वहाँ पे बी का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप आंसर मिला लेना, ठीक है। उसके बाद एलएनटी आरबीआई अप्रूवल सर्टिफिकेट स्टेटस कौन देता है, एनबीएफसी आईसीसी, एक क्वेश्चन ईजी था। एमएसएमई जो इन्वेस्टमेंट रेंज होता है माइक्रो, मतलब माइक्रो स्मॉल फिनेंस में, उसका लिमिट कितना है, अप टू 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ तो उसका लोन हो सकता है, मतलब वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है माइक्रो मीडिया में, ठीक है। उसके बाद लो कार्बन से जुड़े एक क्वेश्चन था जो कि वर्ल्ड बैंक ने उसको अप्रूवल दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो उसका आंसर वर्ल्ड बैंक होगा। उसके बाद 200 मिलियन डॉलर फॉर स्वच्छ भारत मिशन के लिए कौन सी बैंक दिया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये तो ईजी था, मतलब आप मान के चलो 5 से 7 क्वेश्चन उसका डुएबल था, तो वही काट ऑफ उसके आसपास ही जाएगा, मतलब सीएम है, उससे ज़्यादा जाएगी मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, जा सकती है पर उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, इसके अंदर ही वेरी करेगा मुझे जो लग रहा है, आप लोग कमेंट में बताइए कितना जा सकते हैं। उसके बाद पेट्रन और गेल के जुड़े बायो इथानल, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला। उसका बैंक बल्क डिपॉजिट लिमिट ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आलिया लिमिट कितना हो सकता है, आरबीआई ने बोला था वो 2 करोड़ से 3 करोड़ के अंदर होगा, जिसका ECCPO का एग्ज़ाम है ना, यहाँ से देख लो क्वेश्चन कैसे आ रहा है, जो जो चीज़ हम लोग छोड़ देते हैं ना, मतलब ज़्यादा उसको वेज नहीं देते हैं, वही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो उसको इसके लिए आपको जो भी चीज़ पढ़ना है वो डीप में देखना है, क्योंकि ज़्यादा नहीं देखना है, बट आपका जो लिमिट सोर्स है ना वो कंटेंट आपका लिमिटेड ही रहे, बट उसको अच्छे से पढ़ाई करके जाना, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। उसके बाद डोमेस्टिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस कौन कौन सी है, LIC, NIAL और GIC। उसके बाद लोकल करेंसी एग्रीमेंट ऑफ इंडिया, दुबई, नाइजीरिया और इंडोनेशिया। उसके बाद TPSSL, ICICI, सोलार यूनिट फिनंसिंग। उसके बाद अच्छा UPI लाइट और लिमिट, UPI लाइट एक्स लिमिट की कितना था, 4000 रुपीज़। उसके बाद आभा आईडी नंबर डिजिट 14 डिजिट, आभा जो आईडी नंबर है उसका डिजिट कितना है, 14 डिजिट का। ये क्वेश्चन ना आपका जिस का भी मतलब ATM का कितना डिजिट होता है ये सब आपको, उसके बाद IFSC कोड का डिजिट, मतलब ये आपको क्या से स्टैटिक से दे दिया है, ठीक है, बैंकिंग स्टैटिक पार्ट से, तो ये आपको देख के जाना था, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, फ्रेम हो रहा है। उसके बाद मतलब आप ना GS को स्टैटिक जीके को देख के जाओ, जो जो अगले वाले एग्ज़ाम आएगा SBAPO या IBPSPO, क्योंकि स्टैटिक करने से आपका नंबर अच्छा आ जाएगा, मेरे को जो लग रहा है, उसके बाद आपका मर्जी। उसके बाद हाईएस्ट वेटलैंड एरिया कौन सी है, गुजरात होगा। नेशनल स्पेस डे थीम पूछ लिया है, सोच रहे हो अब कौन सी डे, नेशनल स्पेस डे, क्वेश्चन नॉट ईजी, क्वेश्चन टाफ हो रहा है। उसके बाद FATF हेडक्वार्टर कौन सी है, ए ड्यूएबल था, जो जो क्वेश्चन ए फास्टली जो बैंकिंग एस्पेंट है उसको तो करना चाहिए, हेडक्वार्टर पेरिस का होगा। उसके बाद कॉन्सोलिडेटेड फाउंड कौन सी आर्टिकल के अंदर आता है, अंडर 266(1) आर्टिकल दैट इज फॉर्म कॉन्सोलिडेटेड फाउंड, ठीक है। उसके बाद अमन सेराव तो बॉक्सिंग से रिलेटेड ये तो नहीं है ना, तो यही इनकरेक्ट ऐसे ऑप्शन था। उसके बाद UPI लिमिट टैक्स पे कितना होगा, अप टू 1 लाख, ये क्वेश्चन था। NPCI प्रोमोटर बैंक कौन होता है, तो ये मुझे मालूम नहीं, बट आप लोग गूगल करके देख लेना, ठीक है। म्यूचुअल फंड से जुड़े क्वेश्चन था, रिसेंटली शिखर धवन हैज रिटायर्ड फ्रॉम हिज ODI क्रिकेट फॉर्मेट, सो वन क्वेश्चन विल बी देयर, शिखर धवन रिलेटेड रिटायर, ठीक है। उसके बाद जो मारामाटी केरल, मारामाटी है ना वो कहाँ का है, वो केरल लगा है, ठीक है। उसके बाद एनिमल वेलफेयर ब्रांड जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हरियाणा का, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड उडेन अम्ब्रेला वो कौन सी जगह में पाया जाता है, वो केरला होगा। उसके बाद मॉडर्न स्किल लोन स्कीम कवरेज रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके बाद डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे जुड़े एक क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके बाद इंसॉल्वेंसी बैंक रूपटेसी बोर्ड ऑफ इंडिया क्वेश्चन, अच्छा इंसॉल्वेंसी बैंक रूपटेसी क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन मॉडरेट था, ये मतलब जो अच्छा स्टूडेंट है वो भी नहीं कर पाए, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर कोलैटरल लोन, अच्छा ये भी मुझे डाउट है कितना होगा मुझे मालूम नहीं। उसके बाद Bio F3 स्कीम, ये डुएबल था क्योंकि ये रिसेंट हुआ था अगस्त सितंबर मंथ में, ये स्कीम हुआ था। उसके बाद टॉप जिंक कहाँ पे, ये भी जीता राजस्थान होगा। 5 कॉन्वेंशनल इंडेक्स क्वेश्चन, ये मॉडरेट थी, ठीक है।
उसके मतलब आपको इंडेक्स से जुड़े बट इंडेक्स से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा, उसके बहुत डीप में पूछा है, फाइव कॉन्वेंशियल जो इंडेक्स होता है वहाँ से पूछ लिया, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बेसिस मैनेजमेंट रिलेटेड, ये भी मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकते हो। उसके बाद एनपीएस शेयर, एनपीएस का शेयर कितना होता है आरबीआई के ऊपर, इससे जुड़े एक क्वेश्चन था, ये मॉडरेटी बोल सकते हो। उसके बाद भीष्म रिलेटेड, भीष्म क्यूब स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद एजुकेशनल प्रोग्राम, मतलब ऑल क्वेश्चन आर मॉडरेट टू हार्ड एक्सेप्ट फाइव टू सिक्स क्वेश्चन। सो जी आप स्टैटिक जीके कर लेते ना तो आपको अच्छा नंबर आ जाता। उसके बाद होली ओन सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, इससे जुड़े क्वेश्चन था, ठीक है। मेरे को लग रहा है इसका काट ऑफ फाइव से सिक्स के अंदर व उससे नीचे आ सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं जाएगा। आप लोग कितने अटेम्प्ट किए हैं आपका कमेंट सेक्शन में बताइए बताइए, और अटेम्प्ट कितना क्या टोटल वही बताइए, ठीक है। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।